हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं इच्छा किचन रेसिपी विद व्लॉग। तो आज मैं बनाने जा रही हूं मटन पाया और ये हो चुका है बॉईल। मैंने बॉईल कर लिया है, साइड में मैंने प्याज को फ्राई करके रख दिया है। तो देखिए, इसका ढक्कन मैंने खोल दिया है। इसे मैंने बॉईल किया है ना, तो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक गिलास पानी डाल दिया था, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, एक मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके ऐड कर दिया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया था। तो अच्छे से सब चीज़ों को डालकर ना मैंने मिक्स करके रख दिया था गैस पर। तो ये बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसे भून लेंगे इसकी स्मेल निकलने तक। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ड्राई कोकोनट पेस्ट, सूखा खोपरा होता है उसमें मैंने हरा धनिया जो होता है ना वो डालकर, थोड़ा सा सूखा खोपरा है ना उसे रोस्ट भी कर लिया था और मिक्सी में पीस कर इसमें ऐड कर दिया है। देखिए, कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ और लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। अब इसमें जाएगी हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, उसी के साथ 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। सब मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि सबका कच्चापन अच्छे से निकल जाए। तो 5 मिनट तक मैंने अच्छे से लो फ्लेम पर इसे भून लिया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, देखिए फिर से एक बार स्पून से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे हम। देखिए, अब ना प्याज तो मैंने सुबह ही फ्राई करके रखी थी ना मॉर्निंग में, जैसे कि बताया था आप लोगों को, तो मैंने हाथों से क्रश करके प्याज इसमें डाल दिया है। फ्राई करने के बाद प्याज को ना मैंने फ्रीजर में रखा था, तो बहुत ही अच्छे से ये कड़क हो चुकी है, क्रिस्पी हो गई है। तो इसे भी मैंने डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर करके मैं छोड़ दूंगी 5 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो 5 मिनट मेरे कम्प्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मसाला मेरा फ्राई हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें से सेपरेट हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे पाया, जो बॉईल करके रखा था ना पाया, वो इसमें ऐड कर देंगे और पाए को सब मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके हम छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। और यहाँ पर देखिए, मेरा जो सालन है, पाए का सालन बनके रेडी हो गया है। तो इसे हम गार्निश करेंगे फ्रेश हरे धनिए के पत्तों के साथ, तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। देखिए, बहुत ही फटाफट से बन जाता है ये, अगर सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाए ना तो बराबर से बन जाता है, फटाफट बन जाता है, समय नहीं लगता है। वीडियो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गिव मी बिग थम्स अप, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।